प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ आज मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर मंत्रालय वल्लभवन के सामने प्रदर्शन किया गया। हमारी प्रमुख मांग है कि मध्य प्रदेश में जितने भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सबको नियमित किया जाए, उनको वेतनमान और भत्ते दिए जाएं, उनका जो शोषण किया जाएगा वो बंद किया जाए। इन मांगों को लेकर आज हमने वल्लभवन मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। क्या क्या मांगे हैं बताएं आप? हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में जितने भी संविदा कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं उनके वहां पदों का निर्माण करके उनको नियमित किया जाए, उनको महंगाई भत्ता नियमित कर्मचारियों के समान दिया जाए, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट आदि जितनी भी सुविधाएं नियमित कर्मचारियों को दी जा रही हैं उन सभी संविदा कर्मचारियों को दी जाए। डीए वगैरह की भी कुछ मांग बताएं राठौर साहब, डीए वगैरह की कोई डिमांड है? डीए हम लोगों को शासन के नियमित कर्मचारियों के समान डीए नहीं दिया जाता। डीए नहीं दिए जाने के कारण हम लोगों को महंगाई के जो भार पड़ता है उसको किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करें वो हम लोगों को सोचने का विषय है। वो हम लोग उससे बहुत पीड़ित हैं, इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि महंगाई भत्ता, हाउस एंड मेडिकल चिकित्सा भत्ता सभी नियमित कर्मचारियों के भांति दिया जाए।